कभी नहीं आऊंगा सर, नोएडा सर, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा सर। और ये फर्जी इनकाउंटर है और आप देखना बहुत सारे पुलिस के अधिकारी जेल जाएंगे समय आने पर। नोएडा के सेक्टर 58 के डी पार्क के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश फिरोज को गिरफ्तार भी कर लिया। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 62 के पास पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध शख्स पुलिस को आता दिखा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय ये शख्स पुलिस पर ही फायरिंग करके भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई भी कर डाली। इसके बाद आरोपी फिरोज घायल होकर जमीन पर गिर गया। फिर पुलिस भी उसे उठाने के लिए जब मौके पर पहुंची तो फिरोज हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगने के साथ साथ नोएडा में दोबारा नहीं आने की बात कहता हुआ दिखाई देने लगा। कभी नहीं आऊंगा सर, नोएडा सर, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा सर, कभी नहीं आऊंगा सर, आज के बाद। फिरोज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से तमंचा, स्कूटी और एक बैग भी बरामद किया है जिसमें जेवर मिले हैं। ये एक चेकिंग हमारी 58 पुलिस स्टेशन में चल रही थी। हम लोग को इनपुट था कि ये एक स्कूटी से संदिग्ध व्यक्ति है जो जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है। इसको जो है वो जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, इसको गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका नाम फिरोज उर्फ कट्टा निकल करके आया। जानकारी करने में पता चला है कि इसमें 25,000 का इनाम था और ये एक साल से जो है वांछित चल रहा था फोर्टिनाइन पुलिस स्टेशन से। इसके कब्जे से एक बैग मिला है, बैग में कुछ चांदी और सोने के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इसकी भी जो है वो जानकारी की जा रही है कि कहां से आया इसका। जहां इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की तारीफ हो रही है, पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है, तो वहीं नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इस एनकाउंटर को फर्जी ही बता डाला, बल्कि यहां तक बोल डाला कि भैया समय आने दो, सभी पुलिस वाले जेल में जाएंगे। अगले दिन नोएडा पुलिस के आगे अपराधी कह रहे हैं अब नोएडा नहीं आऊंगा, छोड़ के जा रहे हैं एनकाउंटर जिस प्रकार से। ये फर्जी एनकाउंटर है और आप देखना बहुत सारे पुलिस के अधिकारी जेल जाएंगे समय आने पर। नेताजी भी गजब की बात करते हैं, पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, यूपी में लगातार अपराध पर नकेल भी कसी जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव को तो ये सब फर्जी और गलत लगता है। आपकी अपनी क्या राय है इस खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।